सो काफी टाइम के बाद गाइस हेलो एंड वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू द न्यू वीडियो ऑफ ARK सर्वाइवल। जी हाँ गाइस, आज हम काफी दिनों के बाद गाइस आए हैं ARK में। एंड गाइस आई नो कि तुम भी इंतजार कर रहोगे, बट गाइस आज हम जाने वाले हैं गाइस इस केव में। और हमेशा की तरह भाई ये केव एंट्री पॉइंट पे हमेशा की तरह लैग होगी। आई नो गाइस तुम लोगों को थोड़ा सा एक मिनट, ओके ओके गाइस ये सही रहेगा। ओके गाइस हम आए हैं इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए एंड भाई जो यहाँ का आर्टिफैक्ट है भाई उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि बिकॉज गाइस अगर अपन को बॉस फाइट्स करनी है सो आर्टिफैक्ट क्या बोलते हैं भाई उसको, आर्टिफैक्ट इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों भाई आजकल मैं स्लीप बड़ा होने लगा हूँ ऐसे वर्ड्स में। सो या अपने बंदे की लेवल बढ़ रही है, सो आई विल क्रीज इस लिटिल बिट मेला डैमेज। और इसके पास खाना नहीं है क्योंकि मैं लाना भूल गया, एक्चुअली में मैंने इसे क्रायोपॉड में रखा था तो भाई मैं लाना भूल गया। बट गाइस बंदे ज़रूर यहाँ पर होंगे इतना तो मुझे ओके भाई ये देखो भाई आ गए, नाम लिया और भाई बंदे हाजिर भाई। चलो बेटा मरते जाओ मरते जाओ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत भाई कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है मतलब। ओ भाई अभी भी आ रहे हैं, व्हाट द क्या था भाई ये, भाई देख लो भाई क्या हो गया ये। ओके गाइस इसकी लेवल काफ़ी अच्छी अच्छी बढ़ रही है तो मैं जरा भाई जरा इसको लेवल अप कर देता हूँ। और अब गाइस अपने को जाना किस साइड है, अगर मैं इस साइड जाऊँ, अरे भाई इस साइड से तो मैं आया ही था ना भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली में इस साइड चेक करना है कि इस साइड का क्या हिसाब है। ओ गाइस ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बंदों की तो भाई कोई कमी नहीं। और भाई अजीब सा जानवर क्या नाम है भाई, आर्थोप्रोलिया भाई, ये मुझे इससे भाई नफरत है इस बंदे से, पता है कि भाई कितना अजीब सा है, मतलब इट्स इरिटेटिंग, मतलब समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे यार भाई इसकी इन्वेंटरी अलग भर गई भाई। अबे ये कौन है, हु इज गाय हु, अरे यार ये आर्थोप्रोलिया। अबे मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा मर साले, भाई क्या हो रहा है ये। ओके भाई मैं स्टक हो गया यहाँ पर। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इंक्रीज अ लिटिल बिट हेल्थ। अरे मुझे मेला डैमेज बढ़ाना था यार, माय मिस्टेक। एंड गाइस अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इसका इतना ज़्यादा स्टेमिना क्यों बढ़ रहा है एक साथ में, तो भाई मैंने थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस का भाई वो हिसाब होता है वो हिसाब किताब वो बढ़ा दिया था भाई। भाई भागो सिंपल सी बात है भाई भागो, अगर ये मुझे भागने देंगे तो, समझ रहे हो भाई कितने ज़्यादा बंदे भाई। गाइस मैं कुछ देर यहाँ पर रुका हूँ कि भाई जो पॉइजन नहीं है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही फिर भाई मैं आगे जाऊँगा भाई। ऐसे तो भाई अपनी वाट लग जाएगी भाई, मैं अब पंगे नहीं ले रहा भाई, जाना कहाँ पर है मुझे। अरे भाई यहाँ पर तो जगह ही कम है, व्हाट द अबे क्या हो रहा है ये, अबे व्हाट अबे क्या हो रहा है, कितने सारे बंदे अबे कितने सारे हैं, अबे मैं गलत क्यों हूँ, मैं तो नहीं आ गया एयर के की। अरे भाई ये बंदे यार व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, अबे एक मिनट में डिसमाउंट कैसे हो गया भाई भाई मैं डिसमाउंट कैसे हो गया। ओ गाइस मैं ज़रा इस बंदे को हटा देता हूँ यहाँ से और अब ठीक है भाई। क्योंकि भाई इधर की तरफ कुछ बंदे मुझे दिख रहे हैं भाई, कहाँ गया वो, कोई है क्या गाइस। एक तो दिक्कत ये है, अरे 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 भाई ये यहाँ पर जा नहीं सकता भाई, स्टक हो जाऊँगा मैं। ओके देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब इधर का। ओके गाइस आई थिंक वो सामने आर्टिफैक्ट है और गाइस आई थिंक मुझे इसको क्रायोपॉड करना पड़ेगा, मे बी मुझे इसको क्रायोपॉड करना पड़ेगा। ओके गाइस जाता तो हूँ मैं थोड़ा सा,
यार यहाँ पर भाई ये आर्टिफैक्ट है क्या भाई? लग तो मुझे ऐसा रहा है कि ये आर्टिफैक्ट है और बंदा शायद तक वो एक ही है गाइस यहाँ पर। भाई ये इतनी वेव्स उठ रही है कि मैं ठीक से समझ में नहीं पा रहा कि भाई बंदा है कहाँ पर एक्चुअली में। नहीं भाई वो रहे यार, कैसे लूँ मैं भाई, कैसे लूँ यार उसको मैं? क्या इधर से कोई आ सकता है वो? अरे यार भाई वेव्स कितने डिस्टर्बिंग है। एक मिनट, लेट मी ट्राई। रन 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 रन, वेर आई एम? ओके ओके ओके, थैलो कोलियो, आई एम कमिंग। ओ भाई भाई बार बार बज गया भाई। एक मिनट, आर्टिफैक्ट आ गया क्या मेरे पास? ओनली वन ऑफ दिस में कैड एट द टाइम। ओके भाई, आर्टिफैक्ट तो अपन ने ले लिया है, बट अपने को बाहर जाना है और मैं लफड़ा नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं तो भाई भाग रहा हूँ। लेट्स रन 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 बॉयस, भाई भागो भाई, ये केव बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अरे शिट, भाग 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 भाग। एक मिनट, इधर जाना है मुझे, इधर जाना है। कम ऑन थाइलो कोलियो, रन 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 भाई भाग। अबे भागना, क्या कर रहा है? भाग भाई, ये कितना भाई सच कहो तो मैंने जितना सोचा था ना, ये उतनी भी डिफिकल्ट थी नहीं है, कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही थी है। बट भाई मुझे इतनी बड़ी क्यों लग रही है? मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया? ओके भाई आ गया। भाई अब आई होप कि गेम लेग ना हो, डेफिनेटली होगा भाई। भाई ये पता नहीं क्या दिक्कत होती है भाई, जब भी मैं निकलता हूँ ना इस केव से तो भाई ऑलवेज वो लैग होता है भाई। पर ये कुछ ज़्यादा इजी नहीं था, मतलब आई डोंट थिंक कि इतना कम टाइम लगना चाहिए था मुझे यार। मैं कितना जल्दी से भगते भगते आ गया, आई थिंक इसलिए कि गाइज जो हमारा थाइलो कोलियो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है इस वजह से। बट या और अब मैं अपने जो चीबी है भाई उसको भी लगा सकता हूँ भाई। ये मुझे क्रिसमस के इवेंट में मिला था और मैंने ये तुम्हें दिखाया भी था। बढ़िया हो गया इस, अब अपन घर चलते हैं। मैं अपने बंदे को भाई फॉलो करवा लेता हूँ। सो भाई फॉलो किससे करवा देते हैं? इससे करवाते हैं ना, आजा। कम ऑन माई बॉय, लेट्स कमिंग। एक मिनट, घर का रास्ता किस साइड से है? घर का रास्ता इस साइड से है, तो अपना थाइलो कोली आई थिंक ऊपर चढ़ सकता है। कम ऑन। अरे भाई उबड़ खाबड़ चट्टाने होती है ना, तो भाई इसको भी चढ़ने में दिक्कत आती है। कम ऑन थाइलो कोलियो, यू कैन डू इट माई बॉय। या भाई अपना थाइलो कोलियो ओपी है भाई। अरे तुम मुझे रास्ता देखने दे बे। आई थिंक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, नहीं मुझे यहाँ से जाना है भाई। मेरा बंदा आ तो रहा है ना अच्छे से? हाँ भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि एक मिनट यार थोड़ा सा अर्जेंट है, बस इधर से घूम के आ। नाइस, गुड बॉय। ओ भाई एक मिनट, गामा कम करो, गामा कम करो भाई, वरना अखियन फट जाएगी। ओ भाई साहब, ओ भाई कोदी मारो थाइलो कोलिया। हा भाई बच गए भाई, अच्छी बात है कि इसको वो फॉल डैमेज नहीं पड़ता है, वरना भाई अपनी तो ऐसी तैसी हो जाती है भाई। आजकल अब यहाँ पर थोड़े डायनोस भी दिखने लग गए हैं गाइस, मैं काफ़ी टाइम के बाद भाई खेल रहा हूँ एआर के, तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है खेलने में, वरना गाइस थोड़ा सा मैं बोर सा हो गया था एक्चुअली में एआर के खेल खेल के, तो बस मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था। और बॉयस आई एम कम बैक। मुझे लगा था कि मैं केव में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी फटके चार होने वाली है, बट एक्चुअल में हुई नहीं, जो कि बहुत ही औसम बात है गाइज। मैं काफ़ी टाइम बाद अपने डायनासोर से मिल रहा हूँ एक्चुअल में। मुझे इन्हें खाना वाना भी देना पड़ेगा, या फिर मैं जब 2 दिन पहले इसमें आया था तो मैंने दे दिया था, आई डोंट नो। बट या एक मिनट, मेरा ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर के पास तो भाई खाना शायद ही होगा ना। ऑर्डर भैया ये लीजिए, या आपके पास रखिए। और भाई ऑर्डर की भी जो लेवल है वो अच्छी बढ़ गई है, तो मैं इसकी हेल्थ ही बढ़ा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए।
और तो भाई बढ़ा के कुछ मतलब भी नहीं, क्योंकि भाई अपन इसको फाइट में तो जाने देंगे नहीं। सो यार भाई ये भी अच्छा काफ़ी बड़ा हो गया है। अर्जेंट ट्रेवल्स तू भी बैठ जा। नहीं अर्जेंट ट्रेवल्स तो अब बैठेगा, क्योंकि वो चले में थाइलो कोलियो को फॉलो कर रहा था ना। सो बॉयज इस एपिसोड में कैसे अपन ने ले लिया है आर्टिफैक्ट ऑफ हंटर, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी होगा। बट गाइस नेक्स्ट एपिसोड में अपन जाएंगे आर्टिफैक्ट ऑफ मैसिव लेने, जो कि आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। बट भाई अगर अपना थाइलो कोलियो भाई इतना ओपी है भाई, तुम उसकी लेवल देख सकते हो भाई, 303 लेवल है। एंड गाइस आई थिंक इसमें मैक्सिमम 400 समथिंग कुछ लेवल होती है। सो यार भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थाइलो कोलियो है अपना। एंड गाइस नेक्स्ट केव में मे भी मैं इसे ही लेकर जाऊंगा। सो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।